मुरारी बापू ने अपने पास एक मुसलमान लड़का रख रखा था, वो उसके यहाँ तबला वबला बजाता था जी जी जी। और मुरारी बापू के और उसके बड़े प्रगाढ़ संबंध थे आपस में, बड़े प्रगाढ़ संबंध थे, समझ रहे होंगे आप, मैं कहना नहीं चाहता जी जी। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर इसकी लड़की को पटा लिया। अच्छा। और ये कहते हैं कि फिर मुसलमानों से इसके घर की कोई महिला बची नहीं। अब जिसके अपने घर की कोई महिला ना बची हो मुसलमानों से, अब वो अल्लाह के गुण नहीं गाएगा तो किसके गुण गाएगा। सभी मित्रों को नमस्ते, और स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने मंच पर जिसका नाम है सत्य सनातन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकुर, बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं अंकुर। आज आप भारत के युवा सनातन के मानने वालों का, मैं हिंदू नहीं कहूँगा, जितने भी लोग चाहे आर्य समाजी हैं चाहे वो सनातन के मानने वाले हैं, सभी के आज आप एक युवा आइकन बन चुके हैं। आप जिस तरह से हर मुद्दे पर बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक अपनी राय रख रहे हैं, मुझे तो अब लगता है कि मेरी भी ज़रूरत नहीं है। मेरा काम संभालने के लिए मेरा एक बेटा है जिसने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जज्बे के साथ, देखिए हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी क्या रही है कि लोगों ने एक गुटका होकर अपने विचार रखे हैं, लेकिन मैं पिछले 22 सालों से जो सच है उसे कहता रहा हूँ। मैं आज बहुत अच्छे युवाओं को देख रहा हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने निर्भीक होकर सच को बोला है, मुझे लगता है कि मरने में भी कोई मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि आज एक आदमी है जो मेरी बात मेरे बाद भी कहता रहेगा। बहुत उम्मीदें हैं मुझे भी आपसे, और पूरे हिंदू समाज को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अंकुर। स्वामी जी आपकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये जो भी लड़ाई है वो हम जो आपकी सिखाई हुई शिक्षा है जी। हम उसी की वजह से, देखिए आप भी एक महंत हैं और आप स्वयं भी गीता जी को लेकर के कथाएं करते हैं स्वयं भी जी। और जिस प्रकार का आज का जो माहौल बना हुआ है, और श्रीमद् भगवत गीता जी के नाम पर, श्री कृष्ण महाराज जी के नाम पर जो आजकल कथा बाँचने वाले लोग हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने एक दुकान सजाई हुई है और अपने ट्रैक में आने वाले सभी लोगों को वो पोषित कर रहे हैं जी जी। और यह अगर हम कहें तो यह जो जो कुछ भी चल रहा है सभी कथावाचकों में, ऐसा लगने लगा कि बहुत कुछ वेल प्लान्ड है। तो हम काफ़ी समय से सोच रहे थे कि क्योंकि आपका भी गीता ज्ञान प्रवाह अभी चल रहा है यूट्यूब पर और उसको भी हम सभी देखते ही हैं, तो मुझे लगा कि आपसे इस विषय में एक बार ज़रूर मिलना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही कुछ ज़्यादा अति उत्साह में आकर के और इन लोगों के विषय में कुछ बोल रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक कथावाचक क्या है, और एक कथावाचक जो श्री कृष्ण महाराज का जो चरित्र हम लोगों को रखना चाहिए था, क्या वो रख पा रहे हैं। देखिए अंकुर, ये एक बड़ा विचित्र सा समय है भारत के सामने, और विशेष रूप से हम सनातन के मानने वालों के सामने जी। ये जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ये एक इस्लाम के जिहाद का एक अभिन्न अंग रहा है पिछले 700-800 सालों से। ये अचानक नहीं हुआ कुछ भी, ये 700-800 सालों से जो हुआ है, आज जो आप देख रहे हो ये फल आए हैं। इस्लाम ने बड़े धैर्यपूर्वक कुछ बीज बोए थे, पेड़ बनते हुए देखा है, और अब उसमें जहरीले बीज, अब जहरीले फल आ गए हैं जिन्हें खाकर सनातन की मृत्यु होनी तय है। आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं मुरारी, जो ये पापी है मुरारी पापी, और ये चिन्मयानंद जी, और ये महिलाएं हैं जी, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपके, ये धर्म पर, हमारे धर्म को ख़त्म करने के ये अब ये आखिरी फेज की तैयारी है। ये आज से नहीं हुआ है। देखिए किसी भी कौम को, किसी भी जाति को आप तब तक परमानेंटली कुचल नहीं सकते जब तक कि आप उसके आध्यात्मिक विश्वासों को तोड़ नहीं देते जी। केवल 80 लाख यहूदियों ने आज एक ऐसा अजय मुल्क बनाकर दिखा दिया, अजय देश बनाकर दिखा दिया। क्यों बनाकर दिखा दिया? क्योंकि उनका अपने यहूदियत में आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक जी, और भी लाखों ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े प्रतिभाशाली रहे हैं जी। एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा उसे यहूदियत के प्रचार के लिए किसी ईसाइयत के हीरो की जरूरत हो या इस्लाम के हीरो की जरूरत हो, वो अपनी यहूदियत पे कायम है। इसीलिए इतने सारे इस्लामिक मुल्क मिलकर भी आज यहूदियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, एक यहूदी को कत्ल नहीं कर पाते। और आपने देखा होगा हिंदू जगह जगह कुत्ते की मौत मार, कुत्ते से भी बुरी मौत, कीड़े मकोड़ों की मौत मारा जा रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हिंदुओं के आध्यात्मिक विश्वासों को खत्म कर दिया गया है जी। मैंने पहले भी हमारी आपकी चर्चा हुई थी, ये जो कथाकार हैं,
आज के कथा का, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञान यज्ञ की बड़ी महत्ता उन्होंने बताई है। ज्ञान यज्ञ का अर्थ है कि भगवान का जो प्रदत्त ज्ञान है जी। भगवान के प्रदत्त ज्ञान है वेद जी। ठीक है जी। वेद है और भगवान की जो लीलाएं हैं, लीला का मतलब रासलीला नहीं जी, जो महाभारत में उन्होंने दिखाई हैं, जो रामायण के समय में उन्होंने दिखाई हैं, वो लीला है जैसे बाली का वध किया गया है, वो लीला है जैसे कर्ण का वध किया गया है। कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध हो रहा था तो कुरुक्षेत्र हमारा धर्म क्षेत्र था। आप भगवान श्री कृष्ण को अगर समझेंगे तो आप समझेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा महायज्ञ जो होता है वो धर्म युद्ध होता है, और उस धर्म युद्ध में अपनी आहुति देने वाला व्यक्ति सर्वोच्च योगी की गति पाता है जी। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है, ये उनका कथन है। हमने भगवान श्री कृष्ण को अगर हमारे हृदय में जीवित रहता, अगर पृथ्वीराज चौहान ये जानते, भारत के अंतिम दिल्ली के सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान, यो तो उसके बाद भी एक हेमू बक्काल के नाम से बादशाह शासक हुए दिल्ली के, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान यदि गीता पर चलते और उसी समय पहली बार में ही अगर गौरी की गर्दन अलग कर देते तो कभी भी हिंदुओं की ये दुर्गति नहीं होती जो आज हुई है। लेकिन हमारी आध्यात्मिक जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। पृथ्वीराज चौहान जिस अजमेर के राजा थे, दिल्ली के राजा तो अपने नाना की गद्दी पर बने, उस अजमेर में पहले से ही सूफियों ने संत नहीं जी 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 सूफी मुस्लिम धर्म प्रचारकों ने अपनी जड़ें जमा ली थी। और वो सूफी धर्म प्रचारक जो थे, जब ये तो ग्यारहवीं सदी की बात है जब मोहम्मद गोरी आया, उससे पहले जब ये महमूद गजनबी आया था जी। तो महमूद गजनबी के समय में भी ये सूफी धर्म प्रचारक वहां बहुत बड़ी अपनी जड़ें जो है अजमेर में जमा चुके थे जी। और पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे वहां पर धर्मगज देव सिंह जी महाराज, उनकी हत्या इन सूफियों ने करवाई थी। तो ये जो जिहाद है धर्म में संशय को डाल देना, ये जो आज ये बैठ के उस पर अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, ये सब सारी दुनिया के हिंदुओं को दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हारे भगवान में ताकत नहीं है, ताकत है उनके भगवान में। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट कहा है, संशयात्मा विनश्यति, जिसके अंदर संशय होगा उसका एक दिन विनाश होगा। उन्होंने पूरी गीता जो दी थी वो अर्जुन के मन के संशय को खींचने के लिए दी थी। आज जो कृष्ण के नाम पर हो रहा है वो संशय डाला जा रहा है हर हिंदू के मन में। अगर आप इस अल्लाह के नाम को भी छोड़ दें, आज कृष्ण के नाम पर जो बताया जाता है, एक ऐसा बच्चा है जिसको उसके गांव की हर औरत प्यार करती है पति मानकर, जी। तो ये भारतीय संस्कृति के बिल्कुल बिल्कुल सर्वदा विरुद्ध है। जो कोई ऐसा व्यक्ति यदि गांव में है तो उसकी सजा भारतीय धर्म संविधान के अनुसार केवल और केवल हत्या है, इसके सिवा उसके लिए कोई सजा नहीं है। यदि वो व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वाइफ मानता हो, अगर किसी भी एक व्यक्ति को गांव की औरतें इस तरह मानने लगे तो समझिए वो तो दुष्चरित्रों का गांव है, बिल्कुल वो भारतीय संस्कृति का गांव नहीं है। और ये संस्कृति कहां की थी? ये संस्कृति अरब की थी। यस यस यस। कथावाचकों ने पहले ही जो अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहे थे ना, जो गद्दी पर बैठकर कृष्ण कृष्ण कर रहे थे, राधा कृष्ण कर रहे थे, उन्होंने भी हम पर अल्लाह की ही संस्कृति, बिल्कुल। और अल्लाह भी दुनिया में दो अल्लाह है, एक अल्लाह तो वो है जो मोहम्मद से पहले का अरब का अल्लाह है, जिसका मंदिर बीच में जो स्थापित है, काबा के मंदिर के बीच में स्थापित है, और चारों तरफ 365 देवी देवताओं की मूर्ति है जी। वो अल्लाह जिसकी तीन बेटियां नाथ, अलनाथ और मन्नाथ जी, जो हमारी त्रिदेवियों जैसी हैं, वो उस अल्लाह की बेटियां हैं जो सारी दुनिया की पूजनीय थी, अरब की दुनिया की जी। तो एक अल्लाह तो वो है जो मोहम्मद के जन्म से पहले का अल्लाह, मोहम्मद के रसूल बनने से पहले का अल्लाह, और एक अल्लाह वो है जो मोहम्मद का अल्लाह है जी।
जिसके लिए मुसलमान कहते हैं ला इला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह, ये दो अल्लाह हैं। लेकिन जो संस्कृति है ये अरब की संस्कृति है, अरब में पहले भी यही संस्कृति थी, आज भी यही संस्कृति है। वहां आदमी अपनी बहन से शादी कर सकता है, आदमी अपनी चाची से शादी कर सकता है, ताई से शादी कर सकता है, मौसी से शादी कर सकता है, बुआ से शादी कर सकता है, उनकी बेटियों से शादी कर सकता है, अपने बेटे की पत्नी से शादी कर सकता है। ये आज भी है, इस्लाम इसी पर आधारित है। तो ये जो संस्कृति थी ये अरब की संस्कृति पहले एक फेज में आप पर डाली गई जी। ये एक फेज था जहां आपकी आपके धर्म और संस्कृति से वितरसना। और क्यों? क्योंकि आपके श्री कृष्ण करते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ये वाहियातपना कहीं नहीं देखेंगे नहीं है। लेकिन ये जानबूझकर हम पर डाला गया। पहले तो ये तय किया गया कि भगवान श्री कृष्ण की अरब के जो ये रीति रिवाज थे उनमें बड़ी आस्था थी। यस। आज ये बताया जा रहा है कि कृष्ण कुछ नहीं है, अल्लाह है। जी जी जी। और अल्लाह के की, और ये केवल ये जो आज के ये मुरारी पापी और ये चिन्मयानंद पापी या ये चित्रलेखा विचित्रलेखा जया, ये केवल ये नहीं है, महात्मा गांधी, एक गुजराती था महात्मा गांधी, आपने सुना हो मोहनदास करमचंद गांधी, जिसका वध किया था अमर बलिदानी पंडित नाथूराम गोडसे जी ने जी। वो मंदिरों में बैठता था, कुरान पढ़वाता था मंदिरों में जी। जो विरोध करता था अंग्रेजों की पुलिस उसे पीटती थी, जेल में डाल देती थी जी। ये षड्यंत्र आज के नहीं है, ये षड्यंत्र बहुत पहले के हैं और ये षड्यंत्र बहुत गहन है। आज पहले ये तय किया गया था कि भाई तुम्हारा कृष्ण जो है वो एक अय्यास है, वो धर्म योद्धा नहीं है, उसका धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो केवल प्रेम का प्रचार करने के लिए, रासलीला रचाने के लिए धरती पर आया जी। और अब ये कथावाचक ये धीरे धीरे स्थापित करने में लगे हुए हैं हाँ। कि कृष्ण और राम तो कुछ थे ही नहीं, नहीं अल्लाह ही है, असली जो है वो अल्लाह है। तो ये अलग अलग फेज थे, अलग अलग फेजों में ये काम हुआ है। अब ये फाइनल फेज है जब ये जो मुरारी है ना, आपने देखा होगा ये अरब से बड़े पैसे आते हैं इसके पास, ये खुद भी अरब में कथा करने बहुत जाता है, पाकिस्तान में कथा करने बहुत जाता है। अभी एक इसका समर्थक कह रहा था कि महाराज आप इनके बारे में कर रहे हो, देखो ये तो पाकिस्तान में भी राम कथा करके आए हैं, ये तो दुबई में भी राम कथा करके आए। मैंने कहा जिस कथा में तुम अल्लाह अल्लाह चिल्लाओगे, अली मौला चिल्लाओगे, उसे तो तुम आईएसआईएस वाले भी करवा लेंगे। बिल्कुल। मैंने तो एक मैसेज भी डाला कि तुम ये कह रहे हो कि ये पाकिस्तान, अरे अल्लाह का नाम पाकिस्तान में लेना कौन सा पाप है। बिल्कुल। अल्लाह का नाम तो तुम कहीं भी ले लो, वो तो खुश हो जाएंगे। और वो इन लोगों को देखिए, आज पहले तो भगवान श्री कृष्ण की रसिया की छवि बनाई गई, छिछोरे की छवि बनाई गई, बहुत सारी हमारी महिलाएं उस छवि के चक्कर में बर्बाद हुई। बिल्कुल। आप जो आज पूरे समाज में ये वाहियातपना देखेंगे उसका बहुत बड़ा कारण ये भागवत कथाएं पहले से ही थी जी। और अब जो ये भागवत कथाएं आ रही हैं तो हमारी बेटियों के मन में एक छवि आएगी कि जब अल्लाह ही असली है और राम कथा और भागवत के कथा पर भी अल्लाह की पूजा हो रही है, तो फिर राम कृष्ण की पूजा क्यों करें, करनी ही क्यों, सीधी अल्लाह की पूजा ना करें। बिल्कुल। तो ये लोग अल्लाह को, उस कातिल अल्लाह को जिसने 500 करोड़ हिंदुओं का कत्ल करवाया और दूसरे ईसाइयों का, यहूदियों का, बौद्धों का कत्ल करवाया, उस अल्लाह को सर्वोपरि बनाने के लिए अब ये कथाएं हो रही हैं जी। अंकुर, ये मेरा बहुत, मतलब मेरा अपना विश्वास है, मैं दूसरों की नहीं जानता क्या कहते हैं जी जी। जिस अल्लाह के कारण मेरे 500 करोड़ भाई बहन मारे गए, जिस अल्लाह के नाम पर काबुल में दरवाजा बना दुख्तरे हिंद नीला में 2 दीनार, जिस अल्लाह के नाम पर मेरी बेटियों की लाशों से बलात्कार हुआ जी। जिस अल्लाह के नाम पर मेरी बेटियों की मंडी लगाई गई, वो अल्लाह और उसका हर मानने वाला मेरा व्यक्तिगत दुश्मन है, चाहे वो ये मुरारी पापी हो, चाहे ये विचित्र लेखा हो, चाहे ये कोई भी गंदगी का ढेर हो, ये सब मेरे व्यक्तिगत दुश्मन हैं और मैं इन्हें व्यक्तिगत शत्रु ही मानता हूं, क्योंकि ये उस अल्लाह के प्रचारक हैं जो बहुत जल्दी 100 करोड़ हिंदुओं का या तो कत्ल करवाएगा या इनका धर्म परिवर्तन करवाएगा, और ये उस धर्म परिवर्तन के वाहक हैं, इसलिए व्यक्तिगत तौर पर मैं इन्हें अपना शत्रु मानता हूँ। स्वामी जी, आपको क्या लगता है, जैसे कि हम रस खान से पूर्व का जो श्री कृष्ण महाराज का जो चरित्र पढ़ते हैं वो एकदम अलग है,
लेकिन जो रस खान आया, जहाँ खान आए मुसलमानों ने आकर के, अभी मैं जो बातें कर रहा था पिछले दिनों, तो उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुसलमानों ने खुद उनके चरित्र का बखान किया है। तो मुझे ऐसा लगा है कि जो मैंने उनका चरित्र जो उन्होंने लिखा है वो एकदम डिफरेंट था, और उन्होंने ही इनको रसिया, छलिया, मनिहारा ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें प्लांट थी कि मुसलमानों को घुसेड़ करके इस सब चीज़ों में लिखवाया गया है सब कुछ जो बिल्कुल आपने बताया है उसमें? तो बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत वेल प्लान था। हमने सोचा ये मुसलमान असल में जाहिल नहीं थे, ये बहुत ज्यादा ध्यान से इन्होंने डीपली हर चीज का अध्ययन किया था, और ये समझ गए थे कि अगर राम और कृष्ण के चरित्र को दूषित नहीं किया गया, राम और कृष्ण के चरित्र पर संशय नहीं खड़ा किया गया, तो हिंदू कभी हार नहीं मानेगा। हार गए। देखिए अरब के अंदर जब ये लुटेरों ने हिंदुस्तान के बारे में सोचना शुरू किया, तो इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार जीता सिंध को, उससे पहले इन्होंने कई आक्रमण किए और हर बार मारे जाते थे जी। सिंध को इन्होंने जीत लिया था। पूरे अरब में से 1/8 सदी का इतिहास गायब है। कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है भारत से बप्पर आवल गए थे और उन्होंने इन अरबियों को मार मार कर इनकी ऐसी दुर्गति की थी कि ये भूल गए थे भारत पर आना, और 300 साल तक ये भारत पर नहीं आए थे। अब ये कैसे घुसे भारत में? उसके लिए उन्होंने बहुत तैयारी की और बहुत सारे सूफियों को हिजड़ों को, ख्वाजा जो अजमेर का ख्वाजा का मतलब हिजड़ा जी, ख्वाजा का मतलब होता है हिजड़ा, ऐसे बहुत सारे हिजड़ों को, बहुत सारे सूफियों को, ताकि वो धर्म के बारे में यहां संशय पैदा करें, उन्हें भारत में धकेला। भारत यदि वेद पर चलता, रामायण पर चलता, गीता पर चलता, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर चलता, तो कभी नहीं हारता जी। और अगर हार भी जाता, जैसे मोहम्मद बिन कासिम के समय हार गए थे राजा दाहिर, दोबारा सा जीत लिया जाता जी। लेकिन इन्होंने हमारे धार्मिक विश्वासों को, अच्छा हिंदुओं में एक बहुत बड़ी कमी हो गई थी, आज भी हम देख रहे हैं हिंदू सत्ता के लालच में और पैसों के चक्कर में सब कुछ बेच देता है जी। ये कमी बहुत बड़ी हिंदुओं में आ गई थी, आज भी हम अपनी इसी कमी के शिकार हैं। तो उन्होंने हमारी इस ग्रंथि का फायदा उठाते हुए हमारे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को इस तरह से कर दिया था कि फिर हिंदू जनमानस बिखर गया जी। वो लड़ ही नहीं पाया। लड़ता कैसे? उसके हाथ में तो मंजीरे थमा दिए गए थे, उसके भगवान को तो रसखान जैसे, रसखान पहला नहीं था, उससे पहले बहुत सारे सूफी थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ऐसा चित्रण किया। और जो लोग अय्यास थे, जिनके चरित्र हल्के थे, जैसे अब ये आप जो इस पापी के बारे में, क्या नाम है इसका, क्या नाम है ये मुरारी पापी जो है, इसका चरित्र, अब ये बातें कहते हुए मैं जरा थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता जी जी। और ये मेरी मर्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक समलैंगिकता की एक बहुत बड़ा पाप है। अभी आपने देखा होगा कि 377 धारा हटाई गई है, तो ये उन लोगों ने हटा दी गई, के द्वारा हटा दी गई है जो इन कामों में प्रवृत्त रहते थे जी जी जी। मुरारी बापू ने अपने पास एक मुसलमान लड़का रख रखा था, वो उसके यहाँ तबला वबला बजाता था जी जी जी। और मुरारी बापू के और उसके बड़े प्रगाढ़ संबंध थे आपस में जी। बड़े प्रगाढ़ संबंध थे, समझ रहे होंगे आप जी। मैं कहना नहीं चाहता जी जी। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर इसकी लड़की को पटा लिया। अच्छा। और ये कहते हैं कि फिर मुसलमानों से इसके घर की कोई महिला बची नहीं। अब जिसके अपने घर की कोई महिला ना बची हो मुसलमानों से, अब वो अल्लाह के गुण नहीं गाएगा तो किसके गुण गाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरी बात पे अगर आप विश्वास ना हो तो आप गुजरात में चले जाओ और किसी से भी इस बात की जानकारी कर लो, अगर मेरी बात झूठी निकले तो जो काले चोर की सजा, वो सजा मुझे देना। वैसे तो जितना मैंने बोल दिया है ना, अब ये मेरे इलाज के लिए बहुत है, अब बहुत सारे षड्यंत्र होने शुरू हो जाएंगे मेरे खिलाफ जी जी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम तो हमेशा जेलों में ही रहे हैं और चले जाएंगे या मारे जाएंगे। लेकिन हिंदुओं को सोचना चाहिए कि उनका देश, उनका धर्म कहां जा रहा है। मैं सारे हिंदुओं से एक बात कहना चाहता हूं, ना मुझ पर विश्वास करो ना किसी और पर विश्वास करो, अपनी आंखों से महाभारत को पढ़ो, अपनी आंखों से वेद को पढ़ो, वाल्मीकि रामायण को पढ़ो, गीता को पढ़ो, और फिर निर्णय करो कि मैं सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं जी। स्वामी जी अंत में बस हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जितने भी कथावाचक है, जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज भी किया है,
मैं जानता हूँ, मेरी बहुत सारे गुजरातियों से बात हुई है जो मुरारी बापू के विषय में इसी तरीके से ही कहते भी हैं। डायरेक्ट कहने से बहुत सारे लोग बचते हैं, बहुत सारे लोग सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करते और कहते हैं, मानते हैं कि मुरारी बापू की जो बेटी है, क्योंकि उसका जो पति है वो एक मुस्लिम है, इस वजह से मुरारी बापू ये चाहते हैं कि उस चीज़ का एक्सपोज होने से पहले मैं अल्लाह अल्लाह, अली अली, मौला मौला सब में बैठा दूं ताकि कल मेरा विरोध ना हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपकी बात से थोड़ी सी, बस थोड़ा सा अंतर है बात में। बेटी की गलती नहीं है इसमें जरा सी भी जी, महिलाओं की गलती नहीं है। ये जितनी भी है इस पापी की दुष्चरित्रता के कारण इसका पूरा घर बर्बाद हुआ जी। अब ये जब इसकी दोनों, जब ये एक है ना कि भाई जब घेरे में गिर गए तो वहीं विश्राम है, वहीं विश्राम। अब ये चाहता है कि सारे हिंदू इसी तरह से बर्बाद हो जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। गलती इसकी बेटी की नहीं थी, इसके परिवार की जितनी भी महिलाओं के साथ ये फिर कुकर्म हुआ है वो उनकी गलतियां नहीं थी, गलती सारी की सारी इस मुरारी पापू की ही थी। और जो व्यक्ति अपना घर नहीं बचा सका वो धर्म बचाएगा? बिल्कुल। और बिना, इसने अपनी दुष्चरित्रता के कारण अपनी बेटी को उस नरक में झोंका था। सारी दुनिया जानती है, कोई बोले या ना बोले वो तो एक अलग बात है जी। मैं नौजवानों से इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ऐसे लोगों के चक्कर में पड़कर जिहादियों का चारा न बनने दें। जो कौम या जो लोग अपनी बहन बेटी के मान सम्मान को नहीं बचा पाते, उन्हें भगवान भी नहीं बचाते। अगर अपनी बहन बेटी का मान सम्मान तुम नहीं बचा पाए तो किसी भी तरह से अपने आप को मानव कहलाने के लायक नहीं हो तुम। स्वामी जी, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत सारी वो बातें, मुझे तो सारी बातें बुरी बोलनी पड़ी आज, कहाँ अच्छी बताई हैं। जो सच होता है वो लगता है, लेकिन ये सच भी बहुत बुरा है अंकुर, बहुत बुरा है। ये सच बहुत घृणास्पद है जी, ये सच बहुत घृणित है। इसको बोलने से पहले मेरी जुबान कांपती है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जब अंत हो गया तो बोलना पड़ा, बोलना ही पड़ता है ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो कम से कम समझ जाए, लोग समझें कि अंकुर आर्य था, नरसिंहानंद था। पतन के दौर में भी ये लोग सच बोलते रहे, लोगों को ये पता चले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।